बिलीव मी टॉम क्रूज जो है ना वो उम्र के साथ और जवान पे जवान पे जवान होता जा रहा है भाई साहब। तो देखो यार पिछले 23 साल से चली आ रही फ्रेंचाइजी यानी कि मिशन इम्पॉसिबल, जिसके पार्ट नंबर 7 के पार्ट नंबर 1 यानी कि मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट नंबर 1 को आज सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया है, जिसको मैंने कम्प्लीटली वॉच कर लिया। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस फ्रेंचाइजी की हर मूवी अपने पिछले वाले पार्ट से बढ़िया निकल के आती है, तो क्या आपको यहाँ भी ऐसा देखने को मिलता है, तो आज की इस वीडियो में उसी को डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, हाय एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइव 33। तो आप लोगों का फिर से एक और नए रिव्यू एपिसोड में स्वागत है। विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो अब की बार इथन हंट का जो सामना है वो होने वाला है न्यूक्लियर पावर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और अब की बार वो आपको एक चाबी के दो टुकड़ों को चेस करते हुए दिखने वाले हैं, जिसके बारे में उनको कुछ नहीं पता कि वो चाबी कहाँ की है, चाबी कहाँ लगती है, चाबी की हिस्ट्री क्या है। बस उसको ये पता है कि उसका जो एक पार्ट है वो एल्सा के पास, जिसको पहले वाले पार्ट में मारा गया था लेकिन वो अब जिंदा हो चुकी है, जिसको इथन ने बचा लिया है, और जिस बात को हम लोग पहले वाले ट्रेलर्स के अंदर भी देख चुके हैं। और उस चाबी के पीछे बहुत सारी बड़ी बड़ी पावर्स लगी हुई है, किस तरीके से उस चाबी के चक्कर में बहुत सारे देश, बहुत सारे पावर, बहुत सारी मिलिट्री सब इथन और उसकी टीम के पीछे लग जाते हैं, और कैसे वो बच के निकल पाएगा और किस तरीके से वो वहां से उस चाबी के टुकड़े का पता लगाएगा और वहां से निकाल के लाएगा, यही इसके पार्ट नंबर 1 की स्टोरी होने वाली है, जिसको जानने के लिए आपको इस मूवी को अपना 2 घंटे और 40-45 मिनट के आसपास का टाइम देना पड़ेगा, और ये आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं आप लोगों के सामने इस मूवी का रिव्यू सिर्फ एक लाइन में करूं तो मैं इतना बोलूंगा कि जिस तरीके का स्टैंडर्ड जो है वो इस मूवी ने और इस फ्रेंचाइजी ने एक क्रिएट किया है ना, उसको टच करना लिटरली बहुत मुश्किल है, और ऐसा आपको यहाँ भी देखने को मिलता है। तो अगर आप इस फ्रेंचाइजी के फैन हो तो आपको डेफिनेटली सोचने की जरूरत नहीं है, जाके आप इस मूवी को देख सकते हो। तो अब बात करते हैं देखो इस मूवी के पॉजिटिव पार्ट की। देखो हम लोग इस फ्रेंचाइजी को जानते ही हैं एक्शन सीन्स के लिए, और जिस तरीके का एक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिला है, मैं आपको बताऊं 4 ऐसे सीन थे जिसको देख के आपका दिमाग खराब होने वाला, आपको लगेगा मेरा पैसा वसूल हो गया। मतलब एक कार चेजिंग सीन, ओ भाई साहब, मतलब कॉमेडी और एक्शन गजब मिक्स किया, जिस तरीके से भाई साहब बाइक से ट्रेन को चेस करता है, मजा आया उसको देख के। या आप बात करो जिस तरीके से प्रॉपर एक ट्रेन का सीन है, इसके अंदर गैब्रियल और जो आपका इथन है वो आपस में लड़ रहे हैं, वो सीन गजब था। और चाहे आप बात करो 1-to-1 हैंड टू हैंड कॉम्बैट की, जिस तरीके से उसको परफॉर्म किया गया, जिस तरीके से उसकी कोरियोग्राफी की गई है, आउटस्टैंडिंग। मतलब मेरे को इसके एक्शन सीन्स गजब लगे। इसके बाद जो इसका अगला पॉजिटिव पार्ट होगा देखो वो होगा इस मूवी के अंदर सभी के सभी कास्ट मेंबर्स का काम, चाहे वो नए कैरेक्टर्स हों चाहे वो पुराने कैरेक्टर्स हों, जिस तरीके से उनको इंट्रोड्यूस किया गया, जिस तरीके से उनको डेवलप किया गया, और जिस तरीके से आपको टॉम क्रूज इसके अंदर देखने को मिले हैं, जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस है, मजा आ गया उसको देख के। मतलब जो मैंने इस मूवी से एक्सपेक्ट किया था, मेरे को इस मूवी ने पूरी तरीके से वो चीज डिलीवर करी इन टर्म्स ऑफ एक्शन, इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, ब्रिलियंट। इसके बाद जो इसका अगला पॉजिटिव पार्ट होगा देखो वो होगा इस मूवी की पेस। यकीन मानो आपको इस मूवी की लेंथ यानी कि 2 घंटे और 40 या 45 मिनट फील नहीं होते हैं, मतलब एक्शन सीन रुकने का नाम ही नहीं लेता, मतलब करीब करीब 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा का एक्शन है मैन, मतलब चल रही है मूवी गजब, आपको स्टोरी से फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन स्टोरी बड़ी तगड़ी है इसकी साथ में, लेकिन जो एक्शन सीन से आपको लगेगा यार एक्शन दिखाओ भाई, एक्शन देखने आए हैं हम लोग, और वही ये मूवी जो है वो डिलीवर करती है। इसके बाद जो इसका अगला पॉजिटिव पार्ट निकलता है देखो वो होगा इसकी स्टोरी, जिसको इतने अच्छे तरीके से लिखा गया है, डेवलप किया गया है, पूरे के पूरे चाबी के अराउंड जिस तरीके से सारी के सारी बातों को समझाया गया है, ऑडियंस उससे कनेक्ट कर पाएगी, और जिस तरीके से यहाँ पे पार्ट 1 के अंदर उसकी सेकंड पार्ट के लिए बिल्डअप किया गया है, आपका इंटरेस्ट डेफिनेटली डेवलप होने वाला है कि अब इसका आगे होने क्या वाला है, जो कि आपको इसकी एंडिंग देख के समझ में आएगा। और इतने सारे पॉजिटिव पार्ट के बाद भी जो मैं पॉइंट आप लोगों के लिए एंडिंग में बचाना चाहता था वो ये कि जिस तरीके से आपको इसके अंदर एक वो ट्रेन वाला सीन देखने को मिलता है, जिसके अंदर ट्रेन की जो आगे की बोगी है वो भाई साहब आगे पुल से नीचे उतर गई है, और एक एक करके बोगियां हटती जा रही है, और वो बस बच के निकलते जा रहे हैं, जिस तरीके से उसके अंदर भाई साहब सीन है ना, मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसको डिफाइन करने के लिए। बहुत लोग बोलेंगे पठान से कॉपी किया, मुझे लगता है पठान वालों ने इनसे कॉपी किया। अब बात कर लेते हैं देखो इस मूवी के नेगेटिव पार्ट की। मेरे को कुल मिलाके इस मूवी के अंदर सिर्फ एक कमी लगी, वो ये कि इस पूरी मूवी को 2 घंटे और 40 मिनट के आसपास देखने के बाद भी आपको ऐसा फील आता है कि उन्होंने बहुत सारी बातों को आपके सामने रिवील नहीं किया, और इन लोगों ने सेकंड पार्ट के लिए उसको बचा के रख लिया। मतलब आई अंडरस्टैंड कि इन्होंने अगले पार्ट के लिए ऑडियंस के बीच में हाइप बनानी है, इसलिए उन्होंने बहुत कम रिवील किया,
मुझे लगता है थोड़ा सा और रिवील कर सकते थे कि लोगों को कम से कम ऐसा फील हो कि यार हम कुछ देखने आए हैं और हमें मतलब कुछ गजब ही देखने को मिल गया। मतलब एक्शन वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया है। स्टोरी वाइज मुझे थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी। तो जो मेरे को ये मूवी जो है पसंद आई और मेरे को लगता है आप लोगों के पैसे वसूल होने वाले, जाके इस मूवी को बहुत आप लोग एंजॉय करने वाले हो। कोई भी आपको अडल्ट सीन देखने को नहीं मिलता, आप जाके इसको फैमिली के साथ वॉच कर सकते हो। तो मैं इस मूवी को रेट करूंगा देखो 4.5/5 का, ताकि आप लोग जाके इसको एंजॉय करो। अगर आप लोगों ने इसको एंजॉय कर लिया है, आपको ये कैसा लगा नीचे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और आपको ये वीडियो पसंद आई, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसी वीडियोस को लाता रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमा लाइव 33।